नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हमारे एक नया टॉपिक जो हमारे एसएससी जीडी द ड्रीम बैच के लिए है और इस टॉपिक का नाम है दोस्तों एलसीएम और एससीएफ। दोस्तों आज ही हमारी नेक्स्ट फिफ्थ क्लास है दोस्तों फॉर द एसएससी जीडी ड्रीम बैच के लिए, एसएससी जीडी द ड्रीम बैच। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस इंपॉर्टेंट क्लास की। इस क्लास के तहत हम लोग पढ़ने वाले एलसीएम और एससीएफ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एससीएफ का मतलब होता है प्यारे दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये इन दोनों के मध्य मोस्टली डिफरेंस होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी इसको बोलते हैं छोटी से छोटी संख्या और इसको बोलते हैं बड़ी से बड़ी संख्या। क्लियर है दोस्तों, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या। यानी जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या नाम का एक वर्ड मिले तो हम एक पहचान सीख सकते हैं कि वो एलसीएम की बात कर रहे हैं और बड़ी से बड़ी संख्या हम मतलब एससीएफ की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर ये छोटी से छोटी संख्या संख्याओं द्वारा विभाजित होगी और ये बड़ी से बड़ी संख्या उन संख्याओं को विभाजित करेगी। चलिए इस बात को मैं आसानी से समझाने का प्रयास करता हूं आपको। जैसे हमारे पास है 4, 6 और 8। अगर मैं आपको बोलूं इन तीनों का एलसीएम लीजिए तो ये है एलसीएम और यहां पर है इनका एससीएम। ये दो तरीके हमारे पास, एलसीएम हमेशा साथ में चलता है और एससीएफ हमेशा अलग अलग चलता है। ये मूल डिफरेंस है दोनों के मध्य। लसप हमेशा साथ में चलेगा, मसप हमेशा अलग अलग। कैसे साथ में चलेगा? 2 का भाग 2, 3, 4, फिर 2 का भाग वापस 1, 3 और 2, फिर 2 का भाग वापस 1, 3 और 1, फिर 3 का भाग। ठीक है, ये जो गुणनखंड होते हैं शुरुआत 2 से होती है क्योंकि गणित की पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, इसलिए शुरुआत किससे करते हैं? 2 से। तो यहां देखिए 3 दूनी 6, 12 और 24। तो आप बताइए यहां से हमारा एलसीएम क्या बना? 24। अगर मैं एससीएफ की बात करूं, यहां टुकड़े बने 2, यहां टुकड़े बने 2 और 3 और यहां पर वैल्यू बनी, ये सारे अभाज्य गुणनखंड है। अब आप लोग मुझे ये बताइए यहां पर रूल फर्स्ट क्या होता है? सबसे पहले तो आप कॉमन देखें और फिर दूसरा स्टेप होता है कॉमन का कम से कम गुणा, कॉमन का कम से कम गुणा। ये रूल होता है यहां पर फॉलो करने का। सबसे पहले तो क्या देखा जाता है? कॉमन और कॉमन का कम से कम गुणा। तो आप बताइए कॉमन क्या आ रहा है? यहां से 2 आ रहा है 2। कॉमन मतलब जो सब जगह हो, पर 3 कॉमन है क्या? नहीं कह सकते। और दूसरा स्टेप कॉमन का कम से कम गुणा, तो कम से कम एक बार ही है, इसका मतलब हमारा एससीएफ क्या बना दोस्तों? 2 बना। लेकिन मैं दोस्तों यहां पर आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा, एससीएफ का मतलब हमेशा पहाड़ा होता है, लेकिन पहाड़ा कौन सी संख्या का? बड़ी संख्या का। क्लियर है, जो मैक्सिमम नंबर है उसका पहाड़ा। अगर मैं आपको बोलूं 4, 6 और 8 किसके पहाड़े में आते, तो आप कहोगे 2 के पहाड़े में। मान लीजिए आपको 4 के पहाड़े में 6 नहीं आएगा, आपको 6 के पहाड़े में 4 और 8 नहीं आएंगे। तो ये कंसेप्ट क्लियर है कि जब भी आपको पहाड़ा देखना हो छोटी संख्या से पहले पहले देखिएगा आप लोग, क्योंकि अगर इससे बड़ा सोचोगे फिर बाकी वो खुद नंबर नहीं आएगा उसमें। क्लियर है, तो एलसीएम हमेशा साथ में चलता है, एससीएफ हमेशा अलग अलग चलता है। एलसीएम में सबका 7 गुणा होता है जबकि यहां पर कॉमन का कम से कम गुणा होता है। क्वेश्चंस के द्वारा समझते हैं बात को अच्छे से। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार है, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यहां देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हमारे पास। अब दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेज है वो बिल्कुल हम लोग इसी चैनल पर कंटिन्यू करेंगे, एजुकेशन अड्डा लाइव पर, जो भी हमारी क्लासेज है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस बात को समझते हैं हम लोग अच्छे से, क्या प्रोसेस है हमारे पास नेक्स्ट वर्क, समझिए। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं 12, 16 और 24 इसका एलसीएम पता करो, तो एक तो बेसिक मेथड है और एक मेथड क्या है कि आप बड़ी संख्या के पहाड़े को आगे चला सकते हैं। बड़ी संख्या का पहाड़ा यानी देखिए 24 का पहाड़ा चलाइए 48, क्या इस 48 में 12 का भाग जाता है, 16 का भाग जाता है, तो आप बताइए हमारा एलसीएम क्या बना? 48। क्लियर है, अगर मैं और कुछ संख्या लूं 15, 20, 40, अब देखिए 40 का दुगुना कितना 80, इसके पहाड़े में आते हैं क्या? नहीं आते। 20 के पहाड़े में आता, 15 में नहीं आता। 40 × 3 कितना? 120।
अब देखो 15 के पहाड़े में भी आता है, 20 के पहाड़े में भी आता है, तो हमारा एलसीएम क्या बना 120। ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम लोग एलसीएम को डायरेक्ट पता कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 14 42 70। अब ये हमारे पास वैल्यू है, क्या 70 के पहाड़े में भी वैल्यू आती है? नहीं। चलिए 140 रखते हैं। ये देखिए 10 14 के पहाड़े में भी आता है और ये 42 के पहाड़े में 5 बार आता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम लोग डायरेक्टली एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या के पहाड़े को आगे बढ़ाना होता है। जैसे ये संख्या हमारे पास 12 16 18, तो आप दे 18 × 2 कितना 36, 18 × 3 54, 18 × 4 72। अब ये वैल्यू थोड़ी हमें आगे लेके चलनी पड़ेगी, 18 × 6 कितना 108 और 18 × 8 कितना 144। तो ये देखिए 12 के पहाड़े में भी आ जाएगा, 16 के पहाड़े में भी आ जाएगा और यहां पर 18 के पहाड़े में तो आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सरल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट बाकी आपकी क्लासेज है, चाहे वो आपके मॉर्निंग वाला सेशन हो, चाहे आपके रात 9 बजे वाली क्लास हो, आप सब लोग एजुकेशन अड्डा लाइव पर ज्वाइन कर सकते हो। हमारा जो दूसरा मेरा खुद का ही चैनल है दोस्तों, एजुकेशन अड्डा लाइव, उसमें जो भी बची हुई क्लासेज है दोस्तों, चाहे वो 9 से 10 बजे वाली ट्रिकी मैथ्स की क्लास हो जिसमें 2-3 टॉपिक ही बचे हैं, या फिर आपके मॉर्निंग वाली क्लास हो 9 से 10 वाली, ये सारे के सारे सेशन दोस्तों अब एजुकेशन अड्डा लाइव पर ही रहेंगे। एजुकेशन अड्डा लाइव जो हमारा चैनल, इस चैनल का उद्देश्य यही था दोस्तों कि जो भी लाइव सेशन है वो इसी चैनल पर रखे हम लोग। ठीक है, तो ये जो लाइव सेशन है सारे के सारे इसी चैनल पर रहेंगे। चलिए अब इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों हमारे पास, नेक्स्ट वन उसको सरल करते हैं। जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एजुकेशन अड्डा लाइव चैनल को, वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या हमारे पास, कुछ और क्वेश्चन हम सरल करते हैं। जैसे देखिए 20 p² q r² 30 p² q r³ और 40 p³ q² r³ का लसप होगा। अगर हमारे पास ये प्रश्न आ जाए तो हम किस प्रकार इस प्रश्न को सरल करेंगे, चलिए ये सीखते हैं हम लोग। तो जल्दी से बताने का प्रयास करें कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, जल्दी से जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर कितना बनने वाला है। चलिए देखिए इसको क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो हम लोगों को क्या करना है, यहां पर अगर आपसे एलसीएम पूछा है तो सबसे पहला काम तो आप अंकों का एलसीएम लीजिए, 20 30 और 40 इन अंकों का क्या ले लीजिए, आप लोग एलसीएम ले लीजिए। तो आप देखिए 20 30 और 40 का एलसीएम लेंगे, 120 आया। कितना आया प्यारे दोस्तों, 120 आया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और ये ध्यान रखिए 120 तीनों से विभाजित भी हो रहा है। अब बात आती है, बहुत बढ़िया, काफी विद्यार्थियों ने सही उत्तर बताया, 120 आ रहा है। अब ध्यान दीजिए यहां पर पी सभी, एलसीएम में क्या रूल होता है, एलसीएम में तो आती है बड़ी से बड़ी घात, सारे के सारे कॉमन गुणा करते हैं हम लोग, जबकि एससीएफ में क्या था, कॉमन की छोटी घात। तो यही फर्क होता है दोस्तों एलसीएम और एससीएफ में। तो याद देखिए बड़ी से बड़ी घात पी की बड़ी से बड़ी घात पी स्क्वायर आएगी, क्यू की बड़ी से बड़ी घात देखिए क्यू स्क्वायर है, चाहे वो किसी भी जोड़े में क्यू ना हो, और आर की बड़ी से बड़ी घात आर क्यूब, यही हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। अब बताइए कितने सरलता से इसे हमने सॉल्व कर लिया, क्लियर है ना। याद है कि पी की बड़ी से बड़ी घात पी स्क्वायर, क्यू की बड़ी से बड़ी घात क्यू स्क्वायर, आर की बड़ी से बड़ी घात आर क्यूब, क्लियर है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए अगर मैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिखूं तो क्या आप लोग मुझे आंसर बता पाओगे, जैसे देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये है, आप लोगों को इसका एलसीएम बताना है, प्रयास करना कि आपका आंसर जल्दी आए थोड़ा। चलिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 36 एम स्क्वायर एन ओ स्क्वायर 42 36 48 एम स्क्वायर एन ओ और 12 एम एन स्क्वायर ओ स्क्वायर का एलसीएम बताना है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, प्रयत्न करें कि इसका उत्तर कितना बनने वाला है, बताएं जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों इसका उत्तर कितना आएगा। चलिए इस बात को समझते अच्छे से, यहां पर इसका एलसीएम, एलसीएम बोला है तो सबसे पहले तो 36 48
और 12, इसका एलसीएम लेके बताइए कितना आएगा दोस्तों। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले बता देता हूं इनका एलसीएम कितना आएगा, 144। ठीक है दोस्तों, 144 आ गया, 72 नहीं आएगा दोस्तों, 72 48 के पहाड़े में कैसे आएगा, 48 आप ला रहे हो तो 36 के पहाड़े में 48 कैसे आया, फिर 48 नहीं होगा 144 होगा। ठीक है, अब आप बताइए एम की बड़ी से बड़ी पावर, एम स्क्वायर आ रही है, एन की बड़ी से बड़ी पावर एन स्क्वायर आ रही है, और ओ की बड़ी से बड़ी पावर ओ स्क्वायर आ रही है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आप बताइए हमारा आंसर क्या बना, 144 एम स्क्वायर एन स्क्वायर ओ स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एलसीएम है तो एलसीएम में बड़ी से बड़ी घात आती है, अगर यही एचसीएफ होता तो यहां कॉमन की छोटी घात उत्तर होता। क्लियर है ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगर इसी प्रकार के एचसीएफ के प्रश्न बने तो हम लोग उनको किस प्रकार सरल करेंगे दोस्तों। ये सारे वीडियोज आपको एसएससी जीडी द ड्रीम नाम की प्लेलिस्ट में मिलेंगे, एसएससी जीडी द ड्रीम नाम की प्लेलिस्ट में। ठीक है चलिए, अरे दोस्त एलसीएम 60 कैसे होगा, 60 के पहाड़े में 48 कैसे लाओगे, 48 के पहाड़े में 60 कैसे आएगा। ठीक है चलिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, अगर क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए, चॉइस ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर 36 ए बी स्क्वायर सी क्यूब और 42 ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर का मसप होगा, फाइंड आउट द एचसीएफ। तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका उत्तर कितना आएगा, इस प्रश्न का हमें आंसर बताना है, तो आप बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए बहुत बढ़िया, काफी जनों के आंसर आ रहे हैं। तो यहां देखिए, सबसे पहले आप लोग ये बताइए यहां पर इसका मसप क्या बनेगा। देखिए दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा मसप का मतलब बड़े से बड़ा पहाड़ा होता है। ये ट्रिक आप लोग फॉलो करोगे तो आपको जब भी ऐसे पता करोगे उस कंडीशन में होगा। तो यहां देखिए, सबसे पहले दो के पहाड़े में भी आते हैं, तीन के पहाड़े में भी आते हैं, छह के पहाड़े में भी आते हैं, और छह से बड़ा कोई पहाड़ा नहीं होगा। 12 के पहाड़े में ये दोनों आ जाएंगे, 42 नहीं आएगा। तो कंफर्म बात है कि हमारा जो एचसीएफ है वो 6 बनेगा। किसी को समझना हो तो वो इसके अलग अलग फैक्टर करके भी समझ सकता है। ठीक है, अलग अलग फैक्टर से 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, ठीक है, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, और यहां 2 से 21, 2 से 7। कॉमन क्या है, अभी 2 ही आ रहा है मात्र, और कम से कम कितनी बार, 2 बार। तो देखिए 3 से यहां पर और 7, कम से कम 2 आ रहा है, एक बार 3 भी एक बार, तो आंसर क्या बनेगा, 6। यहां 2 कम से कम एक बार, 3 भी एक बार, 2 × 3 कितना, 6। ठीक है दोस्तों चलिए, तो यहां एलसीएफ से बना। अब मैंने क्या बोला था दोस्तों, मसप के अंतर्गत कॉमन का कम से कम गुणा काम में आता है। तो आप बताइए ए का कम से कम गुणा क्या आ रहा है दोस्तों, ए ही आ रहा है। बी का कम से कम गुणा ओनली बी आ रहा है, और सी का कम से कम गुणा, देखो यहां सी स्क्वायर है, यहां सी क्यूब है, यहां सी स्क्वायर है, तो कम से कम सी स्क्वायर है, और यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। तो ये जिनका भी एबीसी नहीं होगा दोस्तों, वापस समझिएगा, ए बी सी स्क्वायर होगा, क्योंकि सी की कम से कम पावर ही 2 है, तो जो मिनिमम पावर होती है वो काम में आती है, कॉमन का कम से कम गुणा। क्लियर इट, कोई दिक्कत नहीं होगी, चलिए बढ़े आगे फिर। ओके, तो पहला प्रश्न हमने संख्याओं पर, दूसरा हमने एबीसीडी पर आधारित पढ़ा, अब तीसरे प्रश्न की बात करें हम लोग, वो किस प्रकार का होगा वो समझते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर प्रश्न इस प्रकार का हो, 2 की घात 3, 2 की घात 7, 2 की घात 5 और 2 की घात 11, इसका एलसीएम बताना है। तो जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों इसका उत्तर कितना आएगा, जल्दी से बताइए दोस्तों इसका उत्तर कितना आएगा। तो यहां देखिए, जब भी एलसीएम की बात हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा एलसीएम के अंतर्गत बड़ी से बड़ी घात काम में आती है। ठीक है, और एचसीएफ के अंतर्गत छोटी घात नहीं बोलना है, कॉमन की छोटी से छोटी घात काम आती है, कॉमन का होना कंपलसरी है। तो प्यारे दोस्तों यहां से उत्तर हो जाएगा 2 की घात 11। ठीक है, अगर एक ये प्रश्न हमारे पास है 3 की घात 9, 3 की घात 5, 3 की घात 4 और 3 की घात 2, मुझे आप बताइए इसका मसप क्या होगा, फाइंड आउट द एचसीएफ।
तो जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों इसका उत्तर कितना बनेगा। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका उत्तर कितना आएगा। बहुत बढ़िया। तो यहां देखिए एसएफ में क्या होता है, पहले तो कॉमन आना चाहिए कम से कम गुणा, तो तीन की घात कितनी, दो, या फिर कितना बोल सकते हो, नौ बोल सकते हो, बराबर किसके, नौ के। छोटी घात होगी तो हो सकता है ऑप्शन में सोल्व करके मिल जाए, नहीं तो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। तो एलसीएम में होता है बड़ी से बड़ी घात और एसएफ में होता है कॉमन की छोटी घात, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों में हम लोग हमारा आंसर क्या देंगे। देखिए दोस्तों जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो उसका मसअप एक रहता है, ठीक है। चलिए अब आप देखिए दोस्तों प्रश्न क्या हमारे पास, तीन की घात पांच, तीन की घात सात, तीन की घात नौ, पांच की घात दो और पांच की घात सात। जल्दी से बताइए इसका मसअप क्या होगा, फाइंड आउट द एससीएफ। अगर इस प्रकार के प्रश्न है हमारे पास तो जल्दी से बताने का प्रयत्न करें मसअप क्या होगा। तो यहां देखिए दोस्तों मैंने क्या बोला था, मसअप के अंतर्गत कॉमन का आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां देखिए तीन है, तीन है, तीन है, पर इसमें है क्या, नहीं, तो आप कॉमन नहीं बोल सकते, इसे कॉमन लेना पड़ेगा। बिल्कुल वीडियो अपलोड होगा थोड़ी देर के अंदर ही। तो यहां देखिए यहां कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो यहां भी तीन कॉमन नहीं है, यहां पांच है। देखिए रूल क्या होता है, सबसे पहले कॉमन आना चाहिए, ना तो तीन कॉमन आ रहा है ना प्रॉपरली पांच आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो इसका एससीएफ एक होगा, क्लियर है ना दोस्तों। जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो उसका एससीएफ एक होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, वन ओनली, ठीक है दोस्तों। जिन्होंने भी थ्री फाइव फाइव टू ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों, थ्री की पावर फाइव और फाइव की पावर टू बताया ना, वो गलत है दोस्तों, थ्री फाइव फाइव टू गलत हो जाएगा दोस्तों। रीजन ये है, तीन की घात पांच और पांच की घात दो कब बता सकते हो, जब सबके आधार समान होते, यहां तो आधार समान है ही नहीं, रीजन है ना, क्लियर, ओके। लेकिन अगर मैं प्रश्न ऐसा बता दूं आपको कि पांच की घात तीन, पांच की घात सात, पांच की घात ग्यारह, पांच और सात की घात दो और सात की घात तीन, अगर मैं आपको इसका एलसीएम पूछूं तो डेफिनेटली वो आप लोग बता सकते हैं। वो कैसे बताएंगे दोस्तों, उसको समझते हैं। तो यहां देखिएगा पांच की बड़ी से बड़ी पावर कितनी, ग्यारह, सात की बड़ी से बड़ी पावर कितनी, तीन। क्योंकि दोस्तों एलसीएम के अंतर्गत इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि एलसीएम में कॉमन का आना जरूरी नहीं है। तो आप बताइए पांच की घात ग्यारह इंटू सात की घात तीन, तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हो बात को अच्छे से कि इसका एलसीएम हो जाएगा पांच की घात ग्यारह इंटू सात की घात तीन। तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इन दोनों के मध्य डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। तो यह डिफरेंस ये समझ में आया होगा कि यह कॉमन नहीं, आप कहोगे कॉमन का पता कैसे चलेगा दोस्त, यहां पर तीन है, यहां तीन है, यहां तीन है, पर यहां आधार तीन है क्या, नहीं, क्योंकि इस पांच वाले में तीन कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए उम्मीद करूंगा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले टाइप की ओर। तो ये एक तरीका, सबसे पहले हमने संख्याओं पर आधारित बात पढ़ी, फिर हमने एबीसीडी पर पढ़ा, फिर हमने घातों पर आधारित पढ़ा, फिर हमने असमान घातों के ऊपर आधारित प्रश्न पढ़ा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या है, नेक्स्ट हमारी जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा सब जाने, इंपॉर्टेंट बात ये है, तीन की घात माइनस पांच, तीन की घात माइनस सात, तीन की घात माइनस नौ और तीन की घात माइनस ग्यारह, इसका एलसीएम होगा। एक ये प्रश्न है और एक हमारा प्रश्न है पांच की घात माइनस पांच, माइनस सात, माइनस नौ और माइनस चार, इसका एससीएफ होगा। ये दो प्रश्न है जिनका आंसर आप लोगों को बताना है, तो बताने का प्रयत्न करें कि इसका उत्तर कितना आएगा, जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। तो यहां देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या है, एलसीएम में बड़ी से बड़ी घात आती है और एससीएफ में कॉमन की छोटी घात, लेकिन
यहां कंसेप्ट आज प्लस वाला नहीं है, यहां कंसेप्ट माइनस वाला है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब माइनस लग जाए तो अगर एलसीएम में बड़ी घात होती थी वो अब छोटी घात उत्तर होगा, और जो छोटी घात होती थी वो आंसर बड़ी घात उत्तर होगा। तो आप बताइए, यहां होता तो बड़ी घात था लेकिन माइनस लग रहा है, तो 3 की घात -5 उत्तर होगा। यहां होता तो छोटी घात था लेकिन अब माइनस लग रहा है, तो आंसर 5 की घात -9 होगा। तो ये एक तरीका है दोस्तों जिसके द्वारा आपका ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर है ना कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं दोस्तों आगे, फिर अगले कंसेप्ट की ओर चले हम लोग। ओके, अगला हमारा क्या क्वेश्चन है दोस्तों उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं हमारे पास कि हमें उनके आंसर्स बताने पड़ेंगे। किस प्रकार बताएंगे, चलिए क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने। 3/5, 7/15 और 6/20, इसका अगर मैं आपको 6/30 कर दीजिए, ग्यारह बटा तीस का लसप होगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास और हम लोगों को इसका एलसीएम बताना है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग किस प्रकार सरल करेंगे इस बात को समझिएगा। हाँ बिल्कुल, चलिए ध्यान दीजिए, अगर जब भी आपको एलसीएम पूछे दोस्तों तो हम लोगों को क्या करना है, अगर 3 हो 7 हो 11 और बटे में देखिए 5, 15 और 30, तो हम लोगों को क्या करना है, ये है दोस्तों बटे वाला एलसीएम और एससीएफ। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अगर आपको बटे में एलसीएम और एससीएफ पूछे तो याद क्या रखना है, अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले पैटर्न में एलसीएम होगा, बटे वाले पैटर्न में एससीएफ होगा। और अगर मैंने आपसे एससीएफ पूछ लिया तो आप लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले पैटर्न में एससीएफ और बटे वाले में एलसीएम होगा। 3 और 7 21, 21 × 11, अगर आप 21 और 11 का गुणा करेंगे आएगा 231। अब मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको बहुत ही शानदार वाली, अगर संख्याएं एक दूसरे के पहाड़ी में नहीं आए दोस्तों तो उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। वापस सुन लीजिएगा, संख्या अगर एक दूसरे के पहाड़ी में नहीं आए तो उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। ठीक है, तो एलसीएम क्या बना दोस्तों, 231। एससीएफ की बात करें तो आप बताइए 5, 10, 15, मैंने एससीएफ की एक ट्रिक बताई थी कि बड़ी से बड़ी संख्या का पहाड़ा होता है। अब ये सब किसके पहाड़े में आते हैं, 5 से बड़ा पहाड़ा कोई हो ही नहीं सकता, तो आंसर आएगा 231/5। याद ये रखना है कि जो बात पूछी जाए वो हमेशा कहां रखनी है, ऊपर। एलसीएम पूछा है तो ऊपर एलसीएम लीजिएगा, एससीएफ पूछे तो ऊपर एससीएफ लीजिएगा। ओके, आगे बढ़े दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं कि अगर वो आपको समझ में आ जाए, इसी प्रकार का अगर एससीएफ का कोई प्रश्न हो तो हम लोग किस प्रकार सरल करेंगे। तो यहां देखिएगा, जैसे देखिए 28/11 और 42/44 और 70/22, अगर आपको मैं बोलूं इसका मसप ज्ञात करें तो जल्दी से प्रयत्न करें कि इसका उत्तर कितना आएगा, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता दी दोस्तों अच्छे से कि जो बात पूछी जाए वो आप हमेशा कहां रखेंगे, ऊपर। अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर एलसीएम लेना, और अगर एससीएफ पूछे तो ऊपर एससीएफ ले लेना। ओके चलिए, तो अगर एससीएफ पूछा गया है, देखिए दोस्तों आगे के जो भी सेशन होने वाले, जो भी लाइव सेशन होने वाले एसएससी जीडी बैच के अलावा, जो भी अदर बैच के जो लाइव सेशन है, जो चाहे 9 से 10 बजे होता है या फिर जो आपके सुबह मॉर्निंग में 9 से 10 होता है, वो सारे वीडियोस अब एजुकेशन अड्डा लाइव पर लाइव रहेंगे। लाइव वाला हमने अलग ही चैनल बना रखा है तो अब उस पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप सब लोग जब भी अब लाइव सेशन का टाइमिंग है, एजुकेशन अड्डा लाइव चैनल को ज्वाइन कर सकते हो लाइव सेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो एससीएफ, तो एससीएफ के अंतर्गत क्या होगा दोस्तों, 28, 42 और 70, इसका तो क्या लेना है, मसप, और बटे में 11, 44 और 22, इसका क्या लेना है, लसप, क्योंकि जो बात पूछी जाती है वो कहां रहती है, ऊपर रहती है। दिक्कत नहीं है दोस्तों इसमें। अब आप बताइए 28, 42, 70, अगर हम लोग इसका एससीएफ ले तो आप बताओ ये सब किसके पहाड़े में आते हैं दोस्तों।
देखिए याद रखिएगा, बड़े से बड़ा पहाड़ा होना चाहिए। तो आप बताइए बड़े से बड़ा पहाड़ा किसका हुआ प्यारे दोस्तों? यहां से आंसर आया 14। काफी जनों ने 7 भी बताया, पर ये 14 के पहाड़े में आते, 14 × 28, 14 × 3 = 42, 14 × 5 = 70। बड़े से बड़ा पहाड़ा होना चाहिए। और आप बताओ इनका एलसीएम 11, 44, 22, इसका एलसीएम होता है दोस्तों 44। तो अगर आप इसको सरल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 7/22। तो जिन अभ्यर्थियों का 14/44 या फिर 7/22 आया है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। क्लियर है ना दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंतर्गत। ओके, तो ये कंसेप्ट है, इस तरीका है, अगर इसको समझ लेंगे तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओके, प्रयास तो मैं दोस्तों पूरा मेरा प्रयत्न कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए इस ड्रीम बैच के लिए बहुत कुछ करने का है दोस्तों, कि प्रयास मेरा पूरा है कि आप लोगों को इस बार सिलेक्शंस दे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये हमारा एक क्वेश्चन था दोस्तों, जिसको हम लोगों ने अभी आराम से समझा है। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी ये प्रश्न आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या ज्ञात करें जो 20, 24, 60 से पूर्णता विभाजित हो। यानी वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 20, 24 और 60 से पूर्णता विभाजित हो। 20 का भी भाग जाए, 24 का भी जाए, 60 का भी जाए, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो यहां देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात क्या है, 20 से भी भाग जाए, 24 से भी जाए और 30 से भी जाए, और ये पूर्णता क्या हो, विभाजित हो। इन सबसे विभाजित करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इन सबसे विभाजित करने के लिए आपको पहचान कहां से होगी, तो जब भी छोटी से छोटी संख्या हो, छोटी से छोटी का मतलब होता है दोस्तों एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप बताइए अगर आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो प्यारे दोस्तों वो आंसर कितना आएगा, 120 आएगा। अब ये जो 120 है, 20 से भी विभाजित होता है, 24 से भी होता है और यहां पर 60 से भी होता है। तो जब भी आपको पहचान सीखना बहुत जरूरी है, यही चीजें हम लोगों को एग्जाम में हेल्प करने वाली। क्लियर है ना दोस्तों? तो आप बताइए वह छोटी से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 120। क्लियर है ना? एलसीएम आप लोगों को मैंने अभी सिखाई था थोड़ी देर पहले, यहां 2 से टुकड़ा कर सकते हो, 10, 12, 30, 2 से फिर भाग देके 5, 6 और 15, फिर 2 से भाग देके 5, 3, 15, 3 से भाग देके 5, 1, 5, फिर 5 से 15, 30, 60, 120। ठीक है दोस्तों? ओके, तो ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम लोग ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इसका रिवर्स क्वेश्चन देता हूं दोस्तों, कि अगर इसका रिवर्स क्वेश्चन आ जाए तो वो किस प्रकार आएगा। ये सारे वीडियोज आपको SSC GD द ड्रीम बैच नाम की प्लेलिस्ट में अच्छे से मिल जाएंगे। ओके चलिए, ये दोस्तों क्लास थोड़ा जल्दी से लिया ताकि सारे बच्चों को इन्फॉर्म हो जाए कि जो भी इंपॉर्टेंट हमारी क्लासेज है दोस्तों वो सारी की सारी हमारे यहाँ इस एजुकेशन अड्डा लाइव सेशन में चलेगी। ठीक है दोस्तों, ताकि तब तक हम लोग सभी विद्यार्थियों को इन्फॉर्म भी कर पाए। जो भी हमारे लाइव सेशन है वो सब हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे कल से 7 बजे ही रखें, लेकिन इन्फॉर्म करने के लिए दोस्तों मेरे को थोड़ा टाइम भी चाहिए था इस वजह से। ओके, बाकी क्लास हम लोग प्रयास करेंगे कल से भी 7 बजे ही रखेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। आप सब लोग 9 बजे भी ज्वाइन कर सकते हो, बड़ी से बड़ी संख्या एजुकेशन अड्डा लाइव पर, संख्या ज्ञात करें जो 48, 54, 108 को पूर्णता विभाजित करे। विभाजित हो नहीं दोस्तों, यहां पर डिविजिबल, विभाजित करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो आप बताइए दोस्तों जल्दी से जल्दी इसका उत्तर कितना आने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया, काफी जनों का आंसर आ भी चुका है। चलिए तो जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो इसका मतलब ऐसे पूछा गया, 48 का, 54 का, 108 का, वो बड़ी संख्या बतानी है जो इन तीनों को पूर्णता विभाजित करे।
देखिए अभी वाले प्रश्न में क्या था, विभाजित हो और यहाँ क्या लिखा हुआ है, विभाजित करे। डिफरेंस ये है वहां तीनों नंबर का भाग एलसीएम में जाता है और यहाँ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एचसीएफ का भाग अंकों में जाता है। तो यहाँ देखिए हमारा आंसर क्या बना दोस्तों, छह का भाग। अब आप छह से बड़ी संख्या सोच भी नहीं सकते, आपको कहोगे 12 है, 12 में 48 आ जाएगा, 108 आ जाएगा, पर 54 नहीं आएगा। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हुई, छह। तो हमारा एचसीएफ क्या बना दोस्तों, छह बना। इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। जब भी छोटी से छोटी पूछे तो हम एलसीएम लेंगे, बड़ी से बड़ी पूछे तो हम लोग एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये जो तरीका है ना दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, हमेशा एक लॉजिक में आज थोड़ा समझा देता हूं, बाकी इसके ऊपर प्रश्न हम लोग कल वापस कंटिन्यू करेंगे। यहां पर टाइप क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात सुनिए, अगर आप गणित भी किसी भी दो संख्याओं का, गणित की किसी भी दो संख्याओं का एलसीएम लेंगे, जैसे 10 और 15 का एलसीएम कितना बना दोस्तों, 30, और मैं बात करूं एचसीएफ की वो कितना बना, 5। इनका मैं एलसीएम की बात करूं तो बना 12, और इनके मैं एचसीएफ की बात करूं तो वो बना 2, जैसे 16 और 12। एलसीएम की बात करें प्यारे दोस्तों बना 48, और एचसीएफ की बात करें तो वो बना 4। गणित की कोई भी दो संख्याएं उठा लीजिए, अगर आप लोग इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करोगे तो हमेशा वो इन दोनों संख्याओं के गुणा के कंसेप्ट अच्छे से समझ लीजिए, ताकि चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। वापस सुनिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात क्या है, वापस सुन लीजिए, 10 और 15 का गुणा 150 होता है, और आप बताओ 30 और 5 का गुणा भी 150। क्लियर है ना। देखिए 6 × 4 भी 24 होता है, और 12 × 2 भी कितना, 24 होता है, 16 × 12 भी 192 होता है, 48 × 4 भी 192। यानी हमारा लॉजिक स्पष्ट क्लियर हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो क्या है दोस्तों, किसी भी दो संख्याओं में गणित में एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है प्यारे दोस्तों, हमारा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। गणित की कोई भी दो संख्या हो दोस्तों, उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणा के बिल्कुल क्या होता है, बराबर होता है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हमारे लिए बहुत काम का है। हम लोग इसको फॉर्मूले की तरह रटते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा क्या याद रखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। इसके ऊपर आधारित प्रश्न हम लोग कल वाले इंपॉर्टेंट सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल और एक इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में। अभी के लिए इतना ही, आगे की जो भी लाइव क्लासेज रहेगी हमारे एजुकेशन अड्डा लाइव चैनल पर रहेगी, तो आप सब लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी को थैंक यू, जय हिंद।